बोल राधा रानी की जय, बोल बागे बिहारी लाल की जय। सोमवार और संडे के दिन काफी भीड़ होती है, जिससे पुलिस वाले बैरिकेड लगा के आधे रास्ते में रोक देते हैं। आप पहुंचे हम चीर घाट पे, जहाँ पे यमुना नदी है। राधे राधे करियो, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 मार्च 2023 और डे आज संडे। तो संडे आज हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने, और घूमने जा रहे हैं जब वृंदावन, जिसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, हर किसी को पता ही है। तो दोस्तों, वृंदावन में आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, तो हम ऑब्वियसली बात है हर जगह घूमेंगे जहां हम घूम सकेंगे। तो जो भी चीज कैप्चर हो पाएगी मैं वो चीज करूंगा और आपको ब्लॉग के अंदर जरूर दिखाऊंगा। तो प्लीज मेरे ब्लॉग के अंदर बने रहे, आज ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी धार्मिक होगा। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था आज हम वृंदावन घूमने जा रहे हैं, तो मेरे साथ कई साथी जा रहे हैं जो मेरे महावीर भाई के फ्रेंड है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राम सरम। आपका भाई? आपका भाई। और सबसे पीछे तो महावीर भाई है, जिनको आपने पहले भी वीडियो में देखा है, और आज वो पीछे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सुबह ना के नहीं आए, उनकी लाइट नहीं थी। तो उन्होंने बोला भाई मेरी वीडियो मत बनाइए, पर मैं बनाऊंगा जरूर भाई। किसी को ड्राइव करना आता नहीं, व्लॉग भी करनी पड़ रही है और ड्राइव भी कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं व्लॉग में आपसे आगे। ब्रह्मा वीरे, देखिए ट्रैक्टर जा लाग रही, तीसरा ट्रक है, आंदोलन तो नहीं होता दोबारा से। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा रास्ता रह गया है थोड़ी दूर का, यहाँ से लगेगा हमें आधे घंटा। और रास्ते में पड़ता है कृष्णा ढाबा, तो अभी हम इसमें खाना खाएंगे। मिलते हैं आगे आपसे। लो भाई, वृंदावन के मेन गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा। और ये देखो सामने क्या लिखा है, मेरा वृंदावन। बोल राधा रानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही आप वृंदावन के मेन गेट से अंदर जाओगे ना गाड़ी लेके, तो आप वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद आपको ये पार्किंग मिलेगी। हम लोग तो यहीं पे लगाते हैं गाड़ी, आज हमने यहीं पे लगाई है क्योंकि अंदर जाने नहीं देते। शनिवार और संडे के दिन काफ़ी भीड़ होती है, जिससे पुलिस वाले बैरिकेड लगा के आधे रास्ते में रोक देते हैं। तो हमें यहाँ से गाड़ी लगाने के बाद रिक्शा, ऑटो, जो भी मर्जी हम चाहें मिल सकता है, आप भी यहाँ से ले सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पे ही रिक्शा मिलेगी खड़ी हुई, ऑटो भी। अब इन्हीं में से हम एक करते हैं अपनी ई रिक्शा या ऑटो, जो भी मिलेगा हमें। अभी पार्किंग के सामने ना माता वैष्णो का एक मंदिर है, ये भी बड़ा फेमस है, बहुत बड़ी मूर्ति बना रखी है माता वैष्णो है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्किंग से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, तो अभी हम ई रिक्शा के अंदर बैठे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे रिक्शा वालों से बात करेंगे, कोई 400 बताएगा, कोई 350 बताएगा, कोई 500 ही बता देगा कोई कोई, तो ठीक है, हमने किए 350 रुपये में, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो पार्किंग के साथ। और अभी हम जाएंगे मंदिर द्वार की तरफ, पहले जाएंगे अभी यमुना तट, फिर जाएंगे हम निधि वन की तरफ, फिर उसके बाद बाकी भी आ रही। आप पहुँचे हम चीर घाट पे, जहाँ पे यमुना नदी है। दोस्तों, हम आ चुके हैं चीर घाट पे, यहाँ पे यमुना नदी है।
यमुना नदी के अंदर ये नावें चलती हैं, इसमें आप बैठ सकते हो। 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये ऐसा इनका रेट है। ये देखो सामने कितनी अच्छी नाव है, ये सभी भक्तगण सवारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं यमुना। अभी हम बैठे हैं बोट के अंदर जो कि चल चुकी है यमुना नदी के अंदर। तो अभी हम बोट से उतर गए हैं और आप भी आओ चीर घाट पे, मिलेगी आपको ये सारी बोटें। इसमें 100 रुपये भी लेता है कोई, 80, कोई 50 रुपये, चक्कर के हिसाब से लोग पैसे लेते हैं। तो अभी हम करके उतरे हैं, काफ़ी मज़ा आया और यमुना माई में सफ़र करके और भी आनंद आ गया। तो अभी हम जाएंगे निधि वन की तरफ, मिलते हैं आपसे निधि वन में। ये रास्ता जाता है यहाँ से निधि वन और बाकी बिहारी मंदिर की तरफ, छोटी छोटी गलियाँ मिलेगी अब आगे आपको। उत्तराखंड का झारखंड कौन सा, बिहार नहीं, झारखंड उड़ीसा, झारखंड के राजा हो जगन्नाथ, कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन बैठे हुए हैं ना, भगवान ने पहले दान की स्थापना करी। भाई बहन छोटी छोटी गलियां निधि वन की तरफ जाएंगे और रास्ते में आपको दुकानें मिलेगी कपड़ों की। तो हम पहुंच चुके हैं निधि वन के गेट पे, ये रास्ता अंदर जाएगा निधि वन की तरफ और बाहर आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। तो हम जा रहे हैं निधि वन के अंदर, ये बाहर गेट है निधि वन का, देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पे निधि वन का कुंड बोर्ड भी लगा हुआ है और हम करेंगे अभी अंदर प्रवेश। बाहर आपको ये पुराने सिक्के भी मिलेंगे जिसे आप खरीद सकते हो दान पत्र में डालने के लिए या और किसी चीज़ के लिए। अपनी माता जी का चश्मा लेने के लिए बंदर को चने भी दे रहे हैं और चने का पैकेट ले रहे हाथ में, पर दिया नहीं सही। चलो मिलते हैं, हम आपको अंदर मंदिर में जाते हैं अभी अंदर। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और मंदिर के जैसे ही आप अंदर जाओगे ये आपके सामने प्रवेश द्वार है और ये है निकास द्वार यानी एग्जिट। और यहाँ पे आपको जूते चप्पल रखने के लिए भी मिलेगी जगह, जो कि आपको पैसे देने पड़ेंगे।
अगर आप चाहे तो अपनी गाड़ी में भी रख के आ सकते हो, हमने तो अपनी गाड़ी में रखे हैं, और अगर आप नहीं रखते तो आप यहाँ पे भी जमा कर सकते हो जिसको आपको मूल्य चुकाना होगा। तो भी हम प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। ये देखो इसके दोनों तरफ बांसों का वो बना रखा है जाल ताकि कोई इधर उधर ना जाए, और बंदरों का भाई बहुत आतंक है यहाँ। सभी अपने मोबाइल फोन बचा के रख रहे हैं, कोई चश्मा कोई टोपी, मैं भी बचाऊंगा अपना भाई। Yeah!